हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज संदीप और आज हम करने वाले हैं एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आज मार्केट के अंदर क्या रहा, मार्केट के अंदर काफ़ी ब्लड बाथ रहा, यानी मार्केट बहुत अच्छी तरह से गिरी। निफ्टी लगभग 2.5% से ऊपर और बैंक निफ्टी 3% से ऊपर गिरा, यानी पूरा मार्केट अच्छे से लाल रहा। वहीं पर कुछ सिलेक्टेड स्टॉक थे जो बच पाए। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने चश्मे क्यों लगाए हैं, मैं आपको फैशन दिखा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज आई लेफ्ट आई के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, स्वेलिंग हो रखी है और कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला है कि स्क्रीन नहीं देखनी। बट अब स्क्रीन तो देखनी पड़ेगी, क्या करें। तो बोला कि मैंने बोला कि हाँ, स्क्रीन तो ऐसे छोड़ नहीं सकता, काम है मेरा। तो बोले 2-3 दिन नहीं छोड़ सकते। तो मैं बोला नहीं छोड़ सकते, तो उन्होंने बोला ठीक है फिर स्पेक्स लगा लेना, बट बहुत ज़्यादा मत देखना स्क्रीन, कोशिश करना 2-3 घंटे में अपना ख़त्म करो। बट 2-3 घंटे में कहाँ काम चलता है, ज़्यादा ही हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, तो बस मैं इसलिए बता रहा था कि ये ना लगे कि मैं फैशन दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं बहुत डाउन टू अर्थ रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो एनालिसिस शुरू करते हैं, देखते हैं क्या रहा। तो निफ्टी के अंदर हमने देखने को मिला कि पूरा अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, लगभग 300 पॉइंट का राउंड गैप डाउन पहले ही हो गया था, यानी शॉर्ट करने की इतनी खास अपॉर्चुनिटी मिली भी नहीं। ठीक है, खुलने के बाद जो मूव था वो जब तक सेटअप बनता उसमें मैक्सिमम हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 100 से 130 तक का जो है एक मूव मिला है पूरे दिन में खुलने के बाद। पर खुलने से पहले अच्छा, मतलब खुल बहुत डाउन ही गया था तो इतना अच्छा मूव नहीं मिला। बट स्टिल, क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ा सा डेटा ऐसा ही बना हुआ था, आज कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट था ह्यूज, मतलब भर भर के बना हुआ था, तो शॉर्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो शॉर्ट की तो अच्छा प्रॉफिट हुआ। आई होप आपका भी आज अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, मेरा तो लगभग ओन कैपिटल 10% का राउंड हो गया, काफ़ी है मेरे लिए तो। किसी किसी का डबल भी हो गया होगा आज तो, जिसने पहले ले रखी होगी। खैर, आज के आज तो शायद नहीं हुआ होगा, बट चलो अच्छा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट था। और लेकिन पोर्टफोलियो रेड हो गया डेफिनेटली, पूरा पोर्टफोलियो आज रेड था, एक भी स्टॉक नहीं था जो डिफेंड कर रहा था, सारे स्टॉक वीक पड़े थे। तो इट्स ओके, पोर्टफोलियो तो उठता गिरता रहता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो लॉन्ग टर्म का है अपना। चलो देख लेते हैं फिर क्या हुआ मार्केट के अंदर। वही हुआ गैप डाउन के बाद, हमने देखो पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बोला था, इसी सपोर्ट की बात की थी कि 15700 के अराउंड एक सपोर्ट है और मिनिमम 670 लास्ट बार गया है, तो 670 ही मैक्सिमम जो है डाउन साइड में जाना चाहिए। जबकि आज जो है 684 बनाया है, 670 तक तो गया भी नहीं है। बट तो लेकिन सपोर्ट को आज इसने रिस्पेक्ट किया, अच्छी बात क्या रही आज मुझे अच्छी बात यह लगी कि इसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया निफ्टी के अंदर। वहीं अगर मैं 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं हम, तो 5 मिनट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपनिंग बहुत बड़ी थी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है फिल बहुत जल्दी वाले होने वाली है, मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये 1-2 दिन के अंदर मे भी फिल हो जाए। ये वाला गैप जो है 16200 तक का गैप 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आराम से, या इस वीक के अंदर डेफिनेटली फिल होने के चांसेज हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो मेजर सपोर्ट पे है, दूसरा इतना भी क्या, मतलब इतना भी क्या हो गया, अमेरिका की मार्केट गिरी है ना, हमारी थोड़ी ना, हमारे में इतनी प्रॉब्लम थोड़ी ना चल रही है जितनी अमेरिका में चल रही है, तो हमारा फिर भी ठीक है, वहाँ ज़्यादा खराब है अलग बात है। तो पैनिक था इसलिए इतना गिर गया, और यही रीज़न है कि फिर 17800 से लगभग 100 पॉइंट बाउंस भी आया जाते जाते। तो डाउन गया, एक फेक ब्रेकआउट दिया, फिर फेक ब्रेकडाउन दिया, फिर आप गया, फिर ब्रेकडाउन दिया, इस ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा कंटिन्यू हुआ, यहाँ पर सस्टेन किया, फिर अपसाइड में क्लोजिंग हो गई। तो अभी मैं लेवल्स बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं स्क्रीन देख नहीं सकता हूँ उसके लिए सॉरी। तो लेवल्स मैं बता देता हूँ, नीचे में जो हमारा पहला लेवल है 15700 वाला ही सपोर्ट जो का काम करेगा, हालांकि 15800 भी एक सपोर्ट है पर उससे नीचे आज क्लोज हो चुका है। तो 15700 पहला सपोर्ट ध्यान रखना और 15500 सेकेंड, अगर ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं उसके बाद सीधा 15000 तक देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। वहीं पर अगर अप साइड में देखें तो पहला रेजिस्टेंस छोटा सा ही है, 15800 ही है, दूसरा रेजिस्टेंस 16000 है और तीसरा रेजिस्टेंस 16200 है। मैंने डेटा चेक कर लिया है, तो डेटा के अकॉर्डिंग मैं भी बता रहा हूँ और टेक्निकल के भी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, समझ रहे हो, आई होप आप समझ रहे होगे। प्रॉब्लम थोड़ा सा बहुत पेन हो रहा है इस लेफ्ट आई में, तो मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा सॉरी। तो मैंने पर लेवल्स बता दिए आपको, ठीक है, 15500 और 15700 देखने वाले लेवल्स रहेंगे फिलहाल के लिए।
और अपसाइड में 16,000 और 16,200 जो है देखने वाले लेवल रहेंगे अपसाइड में निफ्टी के अंदर। ठीक है, चांसेस ऐसे लगते हैं कि कल को शायद एक पुल बैक आएगा, क्योंकि पिछली बार भी अगर याद होगा, जब अगर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब ऐसा मार्केट ऐसे गिरा था ना, यहाँ पे देखो मार्केट एकदम ह्यूज मतलब अच्छी तरह ही गिर गया था, और अच्छी तरह गिरती अगले दिन एक बाउंस आया, जो एक बाउंस था वो अच्छा खासा आया था, वो क्योंकि बड़ा गैप था। आज भी क्या है, बड़ा गैप है। पिछली बार जब गिरा था तो गैप बड़ा नहीं था, ध्यान रखना, इससे पिछली बार गैप बड़ा था और इस बार भी गैप बड़ा है, तो कल को एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी और बता देता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो एक शॉर्ट ट्रेंड लाइन, छोटी वाली ट्रेंड लाइन है, उसको आज अच्छे से रिस्पेक्ट किया बैंक निफ्टी ने, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है ट्रेंड लाइन के, ये देखो ऊपर ही क्लोजिंग दी है, और जो मेजर ट्रेंड लाइन है नीचे की साइड में, यहाँ अभी भी स्पेस बचा हुआ है, तो हो सकता है डाउन चला जाए, बट इसको आज इसने रिस्पेक्ट किया तो कल को एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो पहला, सबसे पहला जो मेजर सपोर्ट होगा कल के लिए वो 33,000 होगा, यहाँ से सीधा 400 पॉइंट डाउन है, और 33,000 ब्रेक होता है तो शायद 32,500 पे थोड़ी देर रुके, पर 32,200 तक फिर रास्ता खुल जाता है। ठीक है, 32,200 तक एक डाउन साइड देखने को हमें मिल सकती है, तो 32,200 देखने वाला लेवल रहेगा और 33,000, दो लेवल ध्यान रखना कल के लिए। वहीं अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो पहला लेवल तो हमारे लिए कौन सा रहेगा, 33,500 देखने वाला, एक बार 33,500 निकल गया तो उसके बाद 34,000 का लेवल देखने वाला रहेगा। 33,500 निकलता तो 500 पॉइंट का अपसाइड में वो आराम से देखने को मिल सकता, तो 34,000 देखने वाला और फिर 34,500। ठीक है, फिलहाल इतने ही दो दो लेवल्स निकाले हैं मैंने। रीज़न क्या है, रीज़न है कि अभी देखते हैं मार्केट रुकती है या फिर दोबारा बाउंस, क्या पिछली बार तो की तरह एकदम बुलिश हो जाती है, एकदम बुलिश होने का तो खैर खास रीज़न है नहीं है, बट एटलीस्ट ये गैप फिल होगा, तो इस गैप फिल होने तक का एक हम मौका का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 34,500 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं इस वीक के अंदर, यानी इस एक्सपायरी तक के अकॉर्डिंग टू डेटा। अब अगर मैं बात करूँ स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में देखो स्टॉक्स मैंने चूज नहीं किए हैं फॉर सम रीज़न, क्योंकि बहुत सारे चार्ट देखने पड़ते हैं, तो मैं उतना आज टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, आपको मैंने बता दिया है तो। लेकिन मैंने सेक्टर ज़रूर एनालिसिस किया है, तो सेक्टर में एक ऑटो सेक्टर और FMCG सेक्टर, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो इन सिर्फ इन दो स्टॉक्स, इन दोनों सेक्टर के स्टॉक को ही चूज करना, और इन दोनों सेक्टर में भी स्पेशली ध्यान देना बजाज ऑटो पे और TVS मोटर पे ध्यान देना ऑटो सेक्टर में स्पेशली, और इसमें FMCG सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले पे ध्यान देना। नेस्ले का स्टॉक थोड़ा महंगा होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वैसे अगर आपकी कैपिटल छोटी है तो नेस्ले का महंगा है, पता नहीं किसका महंगा है, तो इन दोनों स्टॉक पे आप ध्यान देना, FMCG और ऑटो सेक्टर के दोनों दोनों स्टॉक्स पे अगर स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। मुझे लग रहा है मैंने चेक किए थे, मतलब ड्यूरिंग दी लाइव मार्केट मैंने इनको चेक किया था, तो ये मुझे थोड़े बेटर लगे थे एज कम्पेयर टू अदर, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन स्टॉक के अंदर हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेवल्स आराम से समझ आ गए हैं। ठीक है, और स्टॉक्स के लिए भी मैं स्पेसिफिक हूँ थोड़ा सा, फिलहाल कुछ टाइम के लिए स्पेशली 2-3 वीक्स के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत ज़रूरी रहेगा, सेक्टर स्पेसिफिक रहना बहुत ज़रूरी है अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो। ठीक है, अदरवाइज कल को करेक्शन कंटिन्यू, सबसे पहले शायद कल को मेटल में शायद ना मिले, क्योंकि मेटल जब भी करेक्ट होता है तो बाउंस दिखाता है, तो मेटल आज अच्छा करेक्ट हुआ है तो शायद कल को एक बाउंस देखने को मिले। ठीक है, तो मेटल और IT में शायद कल को बाउंस देखने को मिले, तो इंट्राडे के लिए अगर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव खुलती है और पॉजिटिव लगता है कि पॉजिटिव जा सकती है, तो मेटल और IT दोनों पे ध्यान देना। ठीक है, ऑटो थोड़ा सा रुकेगा, FMCG भाग सकता है पर एकदम भागना मुझे लग नहीं रहा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए FMCG और ऑटो अच्छा, पर इंट्राडे के लिए मैं कल को मानता हूँ IT और मेटल पर ध्यान देना ज़रूरी रहेगा अगर अगर पॉजिटिविटी आती है मार्केट के अंदर तो। आई होप आपको ये थोड़ी सी एनालिसिस, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ, समझ आ गई होगी और ये हेल्प कर रही होगी। पहले मैं सोच रहा था कि आज वीडियो ना डालूँ 2-3 दिन, थोड़ा सा फिर मुझे लगा नहीं कर्म ही धर्म है वो वाली, मुझे थोड़ी सी मैं गीता पढ़ रहा हूँ तो मुझे वो वाली बात याद आ गई कि जो भी सिचुएशन आपको अपना काम करने की हिम्मत रखनी चाहिए, तो मुझे भी लगा कि ठीक है मैं हिम्मत करता हूँ थोड़ा सा, और टाइम कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेन भी सही सोखे पर किसी की हेल्प हो जाएगी तो इससे बड़ी क्या बात होती है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसी हिम्मत के साथ मिलते हैं कल वीडियो के अंदर, और होप कल को मार्केट थोड़ा सा रिकवर करे, और तब तक के लिए बाय बाय, माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिम फ्रिंड, जय हिंद।